तो रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना के थ्रेट से बचने के लिए इंडिया डिप्लॉय करेगा S-400 सिस्टम। ये बात डिस्कस करी गई US कांग्रेस में। ये देख सकते हैं मनी कंट्रोल का आर्टिकल, इंडिया इंटेंड्स टू ऑपरेट S-400 मिसाइल सिस्टम टू डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड चाइना। इस बात को समझे कि जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री टाइज बढ़ते जा रहे हैं, ये थ्रेट पोज करता है इंडिया को। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर, डायरेक्टर ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ने US लॉ मेकर को बताया कि अपनी लैंड और सी बॉर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन मिलिट्री काफी टाइम से एडवांस सर्विलांस सिस्टम को प्रोक्योर करना चाहती थी, और पाकिस्तान चाइना से बढ़ते हुए थ्रेट्स को देखते इंडिया ने S-400 सिस्टम को प्रोक्योर करना स्टार्ट किया। 2021 में देखे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इंडिया ने हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल सिस्टम को डेवलप और टेस्ट किया। इसके साथ कई स्पेस प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, जिससे ऑफेंसिव स्पेस कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो सके। एयर, लैंड और नेवल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस कर रहा है, और कई डिफेंस नेगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट भी इशू किया। इंडियन ओशन रीजन में एक लीडिंग पावर प्ले करते हुए इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिस्ट्रक्चर किया, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बिल्ड किया लाइक क्वाड और ASEAN के साथ। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की बात करें तो स्कॉट बैरियर ने बताया पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अटैक एक मेन कंसर्न होगा इंडिया के लिए। वहीं दूसरी तरफ 2020 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुए क्लैशेस इंडिया और चाइना के फोर्सेस के बीच दोनों कंट्रीज के रिलेशन ऑल टाइम लो पे हुए। सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए हाई लेवल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स भी हुए, लेकिन दोनों कंट्रीज ने बहुत सारे मिलिट्री ट्रूप्स और टैंक्स डिप्लॉय करने के साथ बॉर्डर एरिया पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं। लास्टली नेबरहुड से थ्रेट देखते हुए इंडियन मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस काफी नोटिसेबल है, और डिफेंस सप्लाई को सिक्योर करने के लिए इंडिजीनियस डिफेंस प्रोडक्शन पे फोकस दिया जा रहा है। आई होप यू वर एबल टू लर्न समथिंग न्यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।